दिल्ली में 1 जून से निजी दुकानदार अपने मनमाफिक शराब की एमआरपी पर छूट दे सकते हैं। दरअसल दिल्ली केजरीवाल सरकार ने शराब की एमआरपी पर दी जा रही 25% की छूट को असीमित करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जून से शराब सस्ती हो जाएगी। केजरीवाल सरकार 1 जून से शराब की अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जा रही 25% की छूट को अनलिमिटेड करने जा रही है। ऐसा होने के बाद शराब विक्रेता एमआरपी से नीचे किसी भी प्राइस पर शराब बेच सकेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने अपने इस फैसले की फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली सरकार का कहना है कि लाइसेंस धारक शराब बिक्री के लिए एडवांस में लाइसेंस फीस दे रहे हैं, तो उन्हें उसके अनुसार कम कीमत पर शराब बेचने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने राजधानी में सुबह 3 बजे तक बार खोलने का भी फैसला किया है। इसके लिए आबकारी विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने बीती 2 अप्रैल को निजी दानों को शराब की एमआरपी पर 25% की छूट देने को मंजूरी दे दी थी। ये डिस्काउंट 31 मई तक जारी रहेगा। वहीं इससे पहले DDMA की कोरोना संबंधित गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर शराब की बिक्री पर छूट को वापस ले लिया गया था। उस दौरान शराब दुकानदार विदेशी शराब और IMFL पर भी 50% डिस्काउंट देने लगे थे। इस वजह से दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ लगने लगी थी, जिसके बाद छूट को वापस ले लिया गया था। लेकिन 2 अप्रैल को फिर डिस्काउंट को बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ बता दें कि दिल्ली में वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति 1 जून से लागू होने जा रही है। इसमें शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है।